नमस्कार दुकानदारों, अभी कुछ दिन पहले की जो ये मुंडे गांव की घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकरा। आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि एक मामला आपने विस्तृत यहां मुंडे गांव का सुना होगा। देखिए तो उसी के बारे में जानने के लिए क्या मामला था, क्या इस मामले में किया जा सकता है, जो पीड़ित परिवार है घर ही उजड़ जाता है इस मामले में, तो इसी के लिए आज यहाँ पे आए हुए थे। आप ये देख सकते हैं, ये गांव की एंट्रेंस है और ये जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी आश्रम मुंदड़ी है। मामला क्यों हुआ, करीब इस मामले को मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए हैं और अभी तक परिवार के ऊपर हमला हुआ। एक बार पहले हमला हुआ, लोगों ने बीच बचाव करके उनको छुड़ा दिया। उसके बाद दोबारा से कुछ गंडासियों के साथ, हथियारों के साथ लोगों ने एक परिवार के घर पर हमला किया और उन्होंने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से जो उनको मिला हुआ था उससे उनके ऊपर जब हमला किया तो उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और डेफिनेटली जब उन्होंने एक गुनाह किया तो पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार करता है। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर वो हमला हुआ क्यों, कोई पुरानी रंजिश रही होगी, कोई ना कोई बात जरूर रही होगी। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए देखिए, ये छोटे छोटे जो गांव हैं, ये गांव ना होके एक कुनबे हैं हमारे। हम लोग यहाँ पे निवास करते हैं और हमारा कोई भी कदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन गांवों को हम लोगों ने बसाना है। जिस तरह से हमारे बुजुर्ग इन गांवों को बसाते आए, प्रयास करते रहे, एक गांव के अंदर विभिन्न जातियाँ निवास करती हैं और अपने कर्मों के हिसाब से, काम धंधे के हिसाब से, जो भी भारतीय संस्कृति है उस हिसाब से जातियाँ बटी हुई हैं, अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों का एक कम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। ये गांव के लोगों का भी, हमारा भी, आपका भी, समाज का भी, कहीं ना कहीं सबका ये कर्तव्य बनता है कि इस सारी की सारी चीज़ को हम कायम रखें ताकि इस तरह के नुकसान दोबारा से ना हो। इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे, इस पूरे मामले में गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। अब जब मुंदड़ी आए हैं तो आपको आज एक आश्रम है उसकी सैर जरूर कराते हैं। मैंने सुना है आश्रम है गुरु जी का, ये बहुत बढ़िया साफ सुथरा एक आश्रम है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, आप अगर पढ़ पाए मैं इनको कहूँगा, ओम तत्सत श्री श्री 1000 गुरु ब्रह्मानंद आश्रम मुंदड़ी कैथल नियमावली। आश्रम में आने वालों के लिए नीचे लिखे नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। ये एक नियम है, आप सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर लिखे गए हैं, रखे गए हैं। और देखिए कितना अंदर आने के बाद ही आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि एक धर्म स्थान पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हवन भी होते हैं, यज्ञ भी होते हैं, बहुत पुराना ये आश्रम है। हम कोशिश करते हैं अगर कोई यहाँ पर हमें मिले, कोई धर्मात्मा मिले, इस बारे में कोई जानकारी हमें कोई उपलब्ध करा सके, थोड़ी बहुत बात हमें बता सके, क्योंकि इन आश्रमों के होते हुए जहाँ पर गुरुजी निवास करते हों और उसके बाद भी गांव में इस तरह के मामले होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो गलत है। जब लोग इस ऐसी जगह पर आते हैं और ज्ञान कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम ही लोग हैं कि हमारे अपने ही कुछ किए गए जो गलत कार्य होते हैं जिनकी वजह से हम ये सब भुगतते हैं। नमस्ते, एक दो जानकारी लेनी थी महात्मा जी, ये पूछना था ये आश्रम कितना पुराना है, किसने बसाया था, क्या यहाँ पे गुरुजी आए थे, ये क्या हुआ था, मतलब इस आश्रम की महत्ता क्या है। मैं तो करनाल से हूँ। आर्य समाजी आप नहीं, गुरु ब्रह्मानंद जी को मानने वाले हैं। हाँ जी, आर्य समाज जी नहीं कह सकते हैं, गुरु जी को मानने वाले लोग हैं। कब बना था आश्रम गुरु जी, अगर जानकारी हो? आपने पता जी आज बैठ जाए 66 में बना था जी। अच्छा, ये जो वो लगी है
अच्छा, तो मैंने सुना है जो भी आसपास के जितने भी गांव या कुछ भी गुआंडा है, सबसे बढ़िया साफ सुथरा आश्रम है ना, तो इस आश्रम की और कोई महत्ता? अभी कौन गुरु जी बैठते हैं यहाँ पे? ये कृष्ण मंदिर अच्छा आप हैं जी, अच्छा बैठेंगे जी, हाँ बैठो। अच्छा तो यहाँ पे 24 दिसंबर का भंडारा भी लगता है जी? यहाँ लगा दो दशहरे का। अच्छा जेठ के दस एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ले लो जी, आवाज आ जाएगी फिर आपकी। जेठ के दशमी का आशीष, पास रखना मत मुझे थोड़ा। जेठ के दशमी का आशीष के दशमी का। और 24 दिसंबर का नहीं लगता गुरु जी का जन्मदिवस का? गुरु जी के टेके हैं दो भंडारे। अच्छा खुद के गुरु जी के टेके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गुरु जी ने यहाँ पे यज्ञ वगैरह किए थे जी जब आए? अच्छा एक महीने का यज्ञ करेगा। अच्छा अच्छा एक बात और जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे जैसे आश्रम है, लोग वो हैं, समृद्ध हैं लोग, आपके गांव में एक झगड़ा हो गया अभी थोड़े दिन पहले, मर्डर भी हुआ है, तो इतना साफ सुथरा गांव होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं गांव के लोग क्यों नहीं रोक पाते जी? हो जाए तो केवल लग गया नहीं, हो तो जगह फिर भी गांव के लोग सोचना चाहिए ना। अब 36 बिरादरी है। हाँ जी, जो शरीर बिगड़ जाए उनका लोग के करेंगे, ये पकड़े बिगड़े जाकत का के पारा देव, कोई माँ बाप भी बेबस हो जाए। हाँ बिगड़े जा जाकत उस माँ बाप भी बेबस हो जाते करेगा उसको। वो तो है। ये क्या बात हुई थी वैसे, इसमें सारा क्या मानना? तो इसके बारे में इतना पता, मानना तो नहीं, वो पता लग गया था एक दिन भाई, रात गोली चाली तड़की 10 बजे खेत में क्यों घूमा थे गांव में गोली चाली। अच्छा तो इनकी कोई पुरानी रंजिश थी जी पहले? बस मानना नहीं पता इसके बाद। तो अब वो जिसने गोली चलाई वो तो बेचारा परिवार का हो ही गया, देखो मान लो एक तो एक आदमी तो उसे हत्या ही होगी, और वो अंदर होगा वो अंदर उसके भी हत्या वर्गी होगी, और भी कई साल में छूटेगा पीछा, कौन संभालेगा किसका काम, कौन संभालेगा? तो पूरे गांव ने मिलके इस बारे में क्या कोई पंचायत करी, कोई समझौता कराने की कोशिश करी क्या, या जो जिन लोगों ने हमला किया था उनको गिरफ्तार करवाने की कोशिश की हो? करी तो उन्ना, फिर पता नहीं होवेंगे कि ना होवेंगे, भी गए हैं डीएसपी पर भी गए, डीएसपी अभी तक भी आया था नाजबाल में, हो ही नहीं। अच्छा मतलब आप ये नहीं बता सकते कि कसूर किसका है? जुबान ना पति नहीं, हम झूठ झूठो किसका कमा ना, ठीक है बात, ठीक है बात। फिर भी ना चलो ये तो हो गया, और इस तरह के मामले ना आए, क्योंकि लोगों में ना विरोध बढ़ता जा रहा, जात पात को लेके, किसी चीज़ को लेके, जमीन को लेके, जदाद को लेके, जर जोरू जमीन, पता नहीं क्या क्या लोग मन में, क्या करना चाहिए गांव को अपने लेवल पे? बस इसका कंट्रोल करना चाहिए। सभी जगह जुड़ता ही है। यहाँ तो ऐसे जब धर्मस्थान बने हुए हैं, सारे लोग आते हैं, उन लोगों को इतनी तो शिक्षा होनी चाहिए भाई, अगर कोई मामला तारा हो जाता है तो गांव के सरपंच हैं, बड़े बड़े बूढ़े हैं, सभी जात बिरादरी में हैं, उनको बोल लो और अपने मामले खत्म करो। कर्ण की तो कर रहे हैं, क्या निकला परिवार ही तो बर्बाद हुए। के लिखड़े इसमें, के लिखड़े कर ना, लिखड़ा भी डंडाई है, डंडाई है नाश है। चलो और कुछ इस गांव के बारे में बताना चाहोगे जी? झंडा दिखा गुरु जी का, कितने फुट का है जी? 125 का। ये गांव के लोगों ने अपने उससे बनाया है, गांव तो समृद्ध हो गया जी, बहुत लोग बाहर हैं अभी, गांव के सारे बच्चे, कोई अमेरिका में कोई कहीं है ना। चलो धन्यवाद गुरु जी, चाय पानी बस, धन्यवाद बस, पानी पी लेंगे अगर है तो। आ जा ये तो ब्रह्मानंद की फोटो है, जिसने डेरा बनाया था ये। अच्छा जिसने डेरा बांधा था ये, ठीक है ब्रह्मानंद जी ने। हाँ ठीक है, उसके बाद में फिर ये स्वरूपानंद जी आगे थे। अच्छा ये कहाँ से थे जी? ये बुढ़नपुर के थे। बुढ़नपुर से? अच्छा ठीक है। अच्छा ये तो उनके साथ ही रहे होंगे ना? हाँ उसी के टाइम में बैठ गए शादी। उसके बाद बस यू कृष्ण आए भी हो। अच्छा ये स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती। हाँ और ये तीन ही स्वरूपानंद की हैं। अच्छा तीनों ही फोटो उनकी हैं ये। अच्छा ओम तत्सत वेदाधार साम्यवादी ब्रह्मानंद भवन, यह भवन जनता जनार्दन द्वारा निर्माण किया गया 1 अक्टूबर 1966 तदनुसार असोज बदी दूध संवत 2023 9 बजे रात्रि के शुभ अवसर पर महारथी विश्वपति ब्रह्मानंद जी महाराज भूमादि सरस्वती कुरुक्षेत्री ने अपने चरण कमलों को निशान देकर स्वयं आधारशिला रखी। अच्छा गुरु जी ने इस आश्रम की आधारशिला खुद रख रखी? खुद। अच्छा ये नहीं कि भी बाद में हो। ठीक ठीक। और कोई खासियत थी कोई गुरु जी से जुड़ी कोई चीज हो यहाँ पे?
आश्रम में। अब गुरु जी का वो कहाँ है, मंदिर कहाँ पे है? मतलब अजय मंदिर है। आज सर बता दो थोड़ा सा। ये यहाँ पे वो यज्ञ भी होते हैं बहुत सारे, वो कहाँ पे करते हैं? इसमें होते हैं जी। अब तो जैसे फसल लगा रखी है। हाँ, इसमें कराए करें 100-800 कराए। हाँ, इसमें होते हैं। वो कब होगा जी दशहरे पे? जब टेम रखता हूँ। अच्छा जी, टेम रखता हूँ। ये खोखो गुरु। अच्छा, ये है मतलब मेन जो स्थान है। ओम तत्सत जी, और गुरु जी के चरणों में प्रणाम। और ये जो यहाँ का मतलब मेन स्थल कह लो, मेन मंदिर कह लो, गुरु जी यहाँ पर बिल्कुल विराजमान है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात बैठे हूँ। और पूरे जो गांव की है इस मंदिर के अंदर आस्था है। और जैसा चोई साहब ने बताया कि 2 बार साल में यहाँ पे भंडारे लगते हैं। 24 दिसंबर को क्यों नहीं लगता जी? उसको कोई खास कारण तो नहीं है भाई? ना, बस जैसे और रखी का समय चल रहा है। अच्छा, इन माताओं से बात कर सकते हैं हम यहाँ? अगर अभी ये 50 पड़ रही है, अभी नहीं छेड़ सकते। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं अभी गांव के अंदर और कुछ जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। ओम तत्सत, जुड़े रहिए दोस्तों। ये है मुंडी का बस स्टैंड और यहां पर जानकारी लेंगे ये घटना कैसे घटी और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ बुजुर्गों से जो बैठे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साथ अगर बात करते हैं तो आप देख ही सकते हैं मुंडी गाँव है, आखिरी गाँव है रोडों पर यहाँ पे। तो कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं गांव मुंदड़ी से ही। क्या शुभ नाम है आपका जी? आपका नाम क्या है? नाम भगत। भगत है? भगत। अच्छा, भगत। क्या बात हुई थी जी, अब बताओ। पास रख लो थोड़ा, मुँह के दौरा, मुँह के दौरा। हाँ, ये बताओ क्या बात हुई थी जी। बात तो देख, मैंने सारे मामले को नहीं माना, मेरा के मामला था के ना था। हमने तो ये सुन रखा भी दो
दोस्तों मैं बैठा हूँ मुंदड़ी में कुछ बुजुर्गों के साथ, और जो ये एक घटना हुई थी इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और एक छोटा सा गांव होता है, गांव के अंदर 36 बरादरी होती हैं, और आपस में इस तरह की अगर लड़ाइयाँ होंगी तो जो एक कहते थे कि गाँव तो बड़े प्यार की जगह है, मोहब्बत की जगह है, उसके ऊपर एक ये कहीं ना कहीं कलंक लगता जा रहा है। तो इस मामले में ताऊ जी बताना चाहेंगे कुछ। बताओ ताऊ जी, क्या बात हुई थी? ये बात ये भाई साहब सुन ले, रात नाइन का रोड़ो होगा 10-11 बजे, ठीक है, बूढ़े बड़े सब अपने घर आओ, खुट्टे खट्टमा पड़ जाओ, गोली भी दाम ये बात सुन ले। मामले कहा बाहर जमा हमारी उम्र 60 साल को रहे हमें, ठीक है, ठीक है नी। अच्छा नहीं का रोड़ो आपस में रबड़ जाने किस बात था सर जाए तो कोई भी हो, मारा कहने का मतलब जो समय नी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मामी माम रोड है भाई साहब, एडिया का जाकत मर गया, मामी मारा गलत है भाई, नजायज हो गया। बाकी एक बात सुन ले भाई साहब, एक बात तो मैंने माना है कि मेरे घर आम सुन तो ये तो मैं मरूंगा ये तेना मारूंगा, एक तो कंपनी का बनेगा जब तो मैंने माना है क्या नहीं, या तो मैंने मार जाएगा नहीं मैं तेना मारूंगा, मैंने क्या मामता तेरी, ठीक है किस बात को आप। अच्छा। इस तो नहीं चाहिए जो गिरफ्तारी है नहीं, जो बंदे है नहीं, जितने मतलब बार आए थे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई नहीं, मतलब फरार है वो, रब ने मेरा फरार है कर मामले मेरा माम के, ये तो काम पुलिस का है भाई। हाँ गाँव के सारे एक दो बैर के भी मामले बैर के तो बताओ कौन फरार है, पुलिस का काम है। एक बात मैं घर बाहर हूँ तो मेरा घर तू नहीं गया, मेरा जाकत है, मेरा जाकत मैं रोल वो घर है बैठा तेरा मेरा कड़ा मेरे घर दूर है नहीं, इस चीज का कारण क्या लगा था वो अपना कारण तो यू है, मतलब ये हमारे गाँव बसने के लिए है, अरे ऐसी ऐसी बात तो होगी गांव में, गांव बसेंगे फिर एक बात सुन ले तो मैं अपने बात ये में रह रहे बूढ़े बूढ़े भरे गांव में सारे जाकत तो बाहर जा लिए फरार हो रही है, ये भी सर जो उनसे 5-7 है जाकत है, मारे भी है 2-4 रोड़ा के भी हैं, मैंने कहना भी एड़िया के अच्छा मारा गया ये सारे मलंग पड़ा करा भी गवर्नमेंट, इन्हें पुलिस क्यों नहीं पकड़ती, इन्हें क्यों नहीं कार्रवाई कर दी, उल्टे काम करा और उल्टे और कर ही नहीं आती थी, तगड़ी गैंग है सारी, तगड़ी गैंग है एस के किंग 307 यू नाम रख रहा अपना, उसके बाद नाम दे रखा, हाँ जी गैंग बना रखी, गैंग बना रखी, और उसमें कौन कौन शामिल है, सारी बरादरी, सारी बरादरी तो भाई बता भाई सारी भी बरादरी है, सारी कोई उन्हीं पे कल मैं अपने भाई नपचाऊंगा, ना 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 ये नहीं जी मैं अपने रोड नपचाऊंगा नहीं, सारी जाति के इसमें कोई बरादरी को मेरा भी छोर हो सका वो पकड़ना चाहिए पुलिस ने, बस पुलिस की कार्रवाई नहीं कर रही, पूरी डकैती नशे रखे तकड़ी ट्रक जावा या ब्रेकर अपने नहरे पुड़पा उसमें बोरी तारा चावल की हो जीरी की हो गेहूं की हो, अरे इसमें गांव के बड़े बुजुर्ग क्या तो नहीं को करते जी, ये तो गांव की बदनामी है, और कहीं ट्रक ड्राइवर उसका नाम बता कौन है कौन नहीं है, पर उन बच्चे का क्या नाम है, आप एक बात बता ये पे बड़े बूढ़े रात रात पुड़ पकड़े बैठे का जाका नहीं, एक बात सुन मेरी बात सुन, एक बात पुड़ पे केक रहा बूढ़े जाका ये बात सुन ले, यूं बैठे यूं बैठा ये खड़ा पहरा देंगे, ये काम तो पुलिस का सरकार का है, मारा काम थोड़ी है यूं, नहीं वो क्यों लगे इस काम में, मतलब वो उनके घर के पूछ उसके माँ बाप ने जिस उन्हें पूछे तब मैं मारा यू काम करते हैं को मारा खिलाफ कर रखे हैं, अभी मैं मर गया अभी उनका अपना हो गया यू काम है, जो इस समय मेरा बच्चा भी किन्हों में भी इन्हों को मैं यू काम करता हूँ, बताओ भाई साहब फिर हैं रात क्यों खेतते हैं फिर हैं बल लगना से ठाई हो ये डोरी ये काटते हैं डोरी ये कर रहे हैं, अरे इसमें सारे शामिल हैं गैंग बन रहा है, हाँ गैंग है और कल्ला थोड़ी है गैंग है, गैंग है इसमें तो सारे काम था 15 आदमी मारे और बाकी बाहर क्या जा, इसमें न्यू थोड़ी अभी एक एडी एडी है, इसमें मेरा मार मेरे छोरा मैं मेरे फैमिली इसका क्या मेरा लग गया,
कहने की बात अभी मेरा भी छोरा मैं मिलो इसमें सार जाते के जाकर था भी मैं कहना इन्हें पुलिस पकड़ दी क्यों गिरफ्तारी क्यों कर दिन की रात के 11:30 वक्त है जी जी दिन में उसका चौमर जी और जब शाम के टाइम उस दिन दिवाली थी एक तारीख का दिन है एक नवंबर का दिन मान के जो आप समझ जो पता के गलती उसकी थी इसी जान कंधे जी क्यों ऊपर भगवान देखा थोड़ा भाई चल देखा काम देखा सारा गलती इनकी थी जिसका लड़का मरा एरिया की गैंग की गलती इनकी है क्यों रात ना उसका तो घर है स्कूल के पास पास सरकारी स्कूल आया जिन्हें गोली चलाई नहीं 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 जो गैंग है वो तो स्कूल के पास आया जो जिन्हें गोली चलाई वो आदमी रह गया हम यहाँ कर रहे हैं दो तीन फायर करे ऊपर भागे नहीं फिर तीसरी बार गोली मारी छा लगे गोली कौन लगी गिरफ्तार करके पुलिस ने मंत्री आया कोई नहीं आया। अच्छा बाकी बात यह है दो युवा करा आ जाता है दो दिन और देखेंगे बॉटे दो दिन के बाद फिर जाम लाऊंगा जोन से है नहीं जोन से 12-13 आदमी है नहीं उस गैंग के वो पकड़ाने मामले भी कौन अच्छा कोई बरादरी का हो चाहे मारा भी हो छोरा अच्छा एरिया को चाहे मार को चाहे रोड को किसी को वो 15 आदमी है नहीं वो जोन से 10-12 और आए थे वो गिरफ्तार कराने चाहिए मामला वो कर लो और किसने फिर मारेंगे कि मेरे घर आने के बड़े जंगल में क्या करूँगा गाँव का माहौल खराब हो गया। हाँ मेरे पास तो चल उस पर तो बंदूक थी उन्हें मार दिए मेरे पास तो लाठी भी निकल रहा मेरे आप तो बड़े बुजुर्ग हो जो गांव बसता देखा अपना आपके सामने बसा और जिस तरह के काम चल रहे ये दुश्मनी बढ़ने लग रही क्यों महाराज जी मतलब कहने का यू है 36 बरादरी में कोई मानस गलत नहीं हो जो मारा कहने का मतलब हाथ में लाठी नहीं सोटी नहीं जी चैल कर मन अपना मान नाम है तो वो मानस के करेगा मारेगा ही वो मर्दा अपना के करेगा एक मानस है कल्ला है लसंसी था उस पर तैयार हाँ जी लसंसी तैयार था हाँ लसंसी है था फिर उन्हें लसंसी तैयार क्यों रख रखा था जी हैं मतलब उन्हें ड्रग का पहले भी हम लेगा जी उन्हें अपना जो अपना मानना इसका बात का जो शुरू था ले रहा था यू अपना अच्छा आज तो है नहीं भाई वाह ना कल लो लेर कल लो भी ठीक है बात हमला हो गया ठीक है हम ना के पता उन्हें 20 साल तले रखी 30 तले रखी 50 तले रखी अकेक तले रखी अपनी और चीज सुनी जी जिस तरह पहले होया करे था जो भी सिस्टम था लोग थोड़े तरीके से रहे थे जब से बच्चे बाहर चले गए सारे सिस्टम बिगड़ गए कोई किसी के घर जा रहा बैठ कर खाना खा रहा कोई लिहाज शर्म कुछ नहीं रही नहीं जी मारा कभी ये चीज आज हम तो यह चाह रहे जी हम कुछ नहीं चाह रहे भाई सुखता बसो भाई गलत काम ना करो गलत काम ना करो कोई भी हो चाहे किसी बरादरी का चाहे रोड हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे जाट हो चाहे सिख का कोई भी है भाई अपने सुखता रहो दंगे ना करो ये भी है देखो जो यू कांड हुए हैं यहाँ जो उसके ऊपर चाल का आए हैं मत 10 हैं 15 हैं या कहाँ हैं वहाँ हैं तो जी दो कल्ला वो के करेगा हमारे का ही और क्या करेगा नहीं नहीं जी वो उसके जी नहीं बस की रही जी दो करेगा वो रात का टाइम है तो ना तना पता ना मना पता उतना बात करता ना कि मैं आंधे मानस मन के दिखा है मन की दूर मानस की इसकी नहीं तो गांव ने इकट्ठे होगा बरादरी ने इकट्ठे होगा समाज के बड़े लोगों ने इकट्ठे होगा जो हमारा विधायक है कुछ है इन सब ने पुलिस के पास जाना चाहिए और उनसे मांग करनी चाहिए आपने पहले भी उन्हें जाम लगाया था उसका भी कोई जो कर रहे हैं अभी करो वो तो देखो जी जैसे उन्होंने टाइम दिया
वासे करांगे जो कानून के मारे कहने से तो वहाँ नहीं कर रहे वहाँ तो अपने कानूनों के हिसाब से करांगे जो ना असली व निराल करांगे तो जो कानूनी बात तो अलग थी मारे कहने से दाम तो नहीं कहा मिठा लियो तो मारे कहने से थोड़ी ठावा जी जो वहाँ अपने कानून के हिसाब से अपने हिसाब से ठा भी जो मारे तेरे हाथ का तो काम नहीं हम जाम ला कर बैठ जाएंगे जाम ला लिया तो थम अपना क्योंकि तो क्या ठाओगे इसका भी फैसला होना चाहिए जो छोकरे के बनिया ने कांड इसना तो भी नो मिलना चाहिए मतलब ठीक है जी किसी के कोई बुरा नहीं था भला नहीं था जब तो मैं कह तो कह मारा कहने का मतलब जो समाज है सारे समाज की बात कर रहे हम तो सब के लिए कर रहे भैया अच्छी करो हाथ जोड़ का प्रार्थना हमारी तीज है तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ यहाँ मुंडड़ी अड्डे पे, मेरे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे बात भी कराई आपकी। बात यह है कि गांव के कुछ 10-15 लोग, उसमें सारे बिरादरी के लोग बच्चे शामिल हैं, किसी बिरादरी की बात नहीं हो रही कि कोई ये बिरादरी की बात नहीं हो रही है, कोई ऐसा हो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग नशे की गिरफ्त में हैं। आजकल ज़माना बदल रहा है, ये मोबाइल देख के गुंडागर्दी और ये सारी चीज़ें हैं। तो गांव के लोगों ने जो बताया, उन्होंने सब लोगों ने यही बताया कि बिल्कुल अगर उस व्यक्ति ने उनके ऊपर गोली चलाई है तो वो अपने बचाव में चलाई है, उसके पास इसके अलावा कोई उस समय वो नहीं था। नहीं तो ये लोग एक दिन के अंदर जब 3-3 बार हमला करेंगे, घर के अंदर हमला करेंगे, तो ये लोग कुछ भी कर सकते थे, उसके परिवारजनों की जान तक ले सकते थे। अब सारा का सारा गांव ये चाहता है कि एक तो जो ये गैंग बने हुए हैं, आप यकीन मानिए जिस तरह की तर्ज पर आप फिल्मों में देखते हैं, लॉरेंस बिश्नोई देखते हैं, उसी के छोटे छोटे रूप गांव के अंदर भी बन चुके हैं। और वो पहले बड़े गांव रहे नहीं, ना बड़े बुजुर्ग रहे, ना गाँव में युवा रहे कि इन लोगों के ऊपर अंकुश रख सकें। लोग नशे की लत के कारण और विभिन्न कारणों के कारण कहीं ना कहीं इन सारी की सारी बुराइयों में लिप्त हैं, और पूरा का पूरा गांव ये डिमांड करता है कि इन लोगों की गिरफ्तारी होनी बहुत ज़रूरी है। अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुए, अब ये गिरफ्तार पैसे दे के नहीं हुए, ये फरार हैं, ये जानकारी इन गांव के शरीफ लोगों को नहीं है। अगर ये वो लोग जल्दी गिरफ्तार नहीं होते, उससे पहले भी ये जो बस स्टैंड है यहाँ पर गाँव के मौजूद लोग, जो भी गाँव के लोग हैं, वो सारे के सारे जाम लगा चुके हैं, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई। कोई भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, MLA, मंत्री या समाज का कोई मौजूद व्यक्ति अब तक यहाँ पर नहीं आया ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। मामले को तो देखिए दोस्तों, सुलझाना ही पड़ेगा, ये गांव है, ये विरासत है हमारी। और जो अगर इस तरह से यहाँ पे लड़ेंगे, तो हम कहते थे कि शहर में रहना ठीक नहीं है, वहाँ रहना ठीक नहीं है, सबसे बड़ी अपना गाँव होता है, अपना घर होता है, तो उसकी हालात भी क्या होती जा रही है। इसके लिए हम सब लोगों को मिल के प्रयास करना चाहिए। ये जो मुंदड़ी गांव है, ये आखिरी गांव है अगर मैं रोड बराबरी की बात करूँ, तो सब लोगों को इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, समझना चाहिए। और जो हत्यार, देखिए मैं उसको हत्यारा मानता ही नहीं, सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला कहीं ना कहीं हत्या की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कानून है, लॉ ऑफ लैंड है, और वो अपने हिसाब से चलता है, मेरे और आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वो गवाहियाँ होंगी, जब गाँव का दबाव पड़ेगा और ये साबित किया जाएगा कि वो निर्दोष है और उसने अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमला किया है, तो जो भी आगे की कार्रवाई है उसके ऊपर रोक लगेगी। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हत्यारे हैं, जो ग्रुप के ग्रुप बना के एक दिन के अंदर एक छोटे से गांव की अशांति को भंग करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, ये उस पूरे गाँव की मांग है। अभी हम कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता कि घर में कोई मिलेगा, अगर वहाँ पर लेडीज़ होती हैं तो उनसे बात नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन अगर कोई वहाँ पे व्यक्ति मिलता है तो उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश जरूर करेंगे।
नमस्कार दोस्तों, जो अभी एक घटना घटी थी गांव मुंदड़ी में, आप सबको पता होगा। दोस्तों, उसके पीछे कई कारण हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। मैं गांव के सरपंच साहब से भी मिला था और लोगों से भी मिला था। परिवार से मैं मिलने नहीं गया जानबूझ के, क्योंकि इस दुख की घड़ी में बहुत सारे लोग उनके पास ऑलरेडी जा चुके हैं, तो इस मामले को और उन लोगों के बीच में जाना कहीं ना कहीं एक हरासमेंट ही है, तो उस चीज़ से मैं बचा। बाकी गांव के लोगों से मैंने बातचीत की और जो दूसरा पक्ष है जिसने गोलियां चलाई, उन सब की लोगों ने भर्त्सना की और उन्होंने कहा कि पुलिस में FIR इनकी दर्ज हो चुकी है, आज नहीं तो कल ये गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन एक मामला सबसे बड़ा जो नज़र आया और जो सरपंच साहब ने भी बताया और लोगों ने भी बताया कि कहीं ना कहीं जो घर पर हमला हुआ है वो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। एक छोटा सा गांव है, और छोटा तो क्या, खैर मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा गांव है। जैसे उन्होंने बताया कि 365 खेड़े इस गांव से आबाद हैं, तो हमें इस मामले पर मुझे लगता है अब मिट्टी डाल देनी चाहिए, ताकि जो गांव का भाईचारा है, क्योंकि जो गांव की नींव है वो भाईचारे पर ही होती है, और एग्जाम्पल दिए जाते हैं हरियाणा के गाँव के कि इस तरह का अगर कोई मामला आता है तो गांव इकट्ठा होता है, गांव के मौजूद लोग इकट्ठे होते हैं और उस मामले का समाधान निकाला जा सकता है। तो आप सब भी कोशिश कीजिए कि इस जो ये मैटर है इसके सुलझाया जा सके, और अल्टीमेटली गांव का, समाज का फायदा रहे, भाईचारा रहे। लेकिन जिन लोगों ने भी ये घिनौना काम किया है उन लोगों को सज़ा मिलनी भी बहुत ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन से कई बार मिल चुके हैं, जाम भी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सलूशन नहीं हुआ। जैसा उन लोगों ने बताया कि अगले 2-4 दिन में एक दूसरे रूप में लीगली इस मामले को बंद करने की कोशिश करें, और बहुत सारे दोस्तों मामले हैं, तो इस मामले पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा आपको? ये जो मैंने आपको गांव के लोगों से बातचीत की, गांव भी दिखाया, और क्या है क्या नहीं, मुझे नॉलेज है इस बात की, जो मैं वहाँ पे नॉलेज कलेक्ट कर पाया। तो आप सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज़रूर देखना, अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर देना। नमस्कार, धन्यवाद।